हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री करण देव कंबोज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाटों को आरक्षण दिए जाने की अपील पहले ही खारिज हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे में किसी प्रकार का आरक्षण दिया जा सकता है। फिर भी जो कानून प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी हो सकेगा उसे किया जाएगा। जाट आरक्षण के दौरान जिन जिन आदमियों ने लूटपाट व आगजनी व आतंक पैदा करने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है और जिन्होंने इस सारे प्रकरण की साजिश रची है या किसी भी प्रकार की सहायता की है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। जो है ना सामना करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो है ना मंगा करना चाहिए जो समाज के दुश्मन हैं, जो अपने प्रदेश के अंदर जिन्होंने इस प्रकार का काम किया, सबको मिल करके जो है ना इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, बैठ करके विचार करना चाहिए कि इस समस्या का समाधान, क्योंकि हरियाणा का एक अपना नाम था और जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर हरियाणा का नाम बदनाम हुआ, ये हम सब के लिए शर्म की बात है। उसको ठीक करने के लिए हमने इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारा सामाजिक ताना बाना जैसे पहले मजबूत था, उसको उसी प्रकार से मजबूत करने के लिए सभी लोगों को, सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए। हमारा जो है ना मामला अब ध्यान में है, इसकी सारी की जाँच होगी, जहाँ जहाँ जो भी कमी रही है, जिन अधिकारियों की कमी रही है, जिन अधिकारियों को मिली भगत रही है या जिन अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की, सब की जो है ना जाँच होगी और सब जो भी ऐसे दोषी पाए जाएंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जो हरियाणा के अंदर इस प्रकार का काम हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी रही है, तो ऐसे लोगों का जो है ना अभी जाँच होगी, जाँच में सब पता चल जाएगी। अभी तो वीरेंद्र सिंह की एक जो है ना ऑडियो सामने आई है और कुछ और भी जो है ना सोशल मीडिया के द्वारा जो है ना कुछ और भी जानकारियाँ भी मिल रही है, तो सारी जानकारी सरकार इकट्ठे कर रही है और उन पर जो है ना सारी इकट्ठी करके उनको उनको इंक्वायरी करा करके कंफर्म करके उसके बाद जो है ना सरकार जो है कार्रवाई करेगी। इंद्री से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए विजय कंबोज की रिपोर्ट।